हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18 का पब्लिक बेटा ये कर दिया एप्पल ने रिलीज। अब आप में से कोई भी iOS 18 डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता है। जिनको डेवलपर बेटा नहीं मिल रहा था, उनकी आईडी एलिजिबल नहीं थी, डेवलपर बेटा को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए पब्लिक बेटा जाके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्या है टॉप फीचर्स, इसके सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करने वाला हूं। आपके आईफोन में सेटिंग में जनरल में जाकर आप सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक करेंगे, यहाँ पे आपको ये वाला अपडेट मिलेगा एक ही शर्त पे, अगर यहाँ पे आपको बेटा अपडेट्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है तो। अगर ये ऑफ है तब ये वाला अपडेट आपको नहीं देखने मिलेगा। 7.5.1 पे आप रहेंगे या जो भी लेटेस्ट iOS होगा, जब भी वीडियो देख रहे हो उस पे रहेंगे। अगर यहाँ पे ये iOS 17 के पब्लिक बेटा या डेवलपर बेटा पे है तब भी आपको ये वाला अपडेट नहीं मिलेगा, ये कोई और अपडेट मिलेगा जैसे ये आया हुआ है। लेकिन आपके पास होना चाहिए iOS 18 का पब्लिक बेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन। अगर ये बेटा अपडेट्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे करते हैं शुरुआत। यहाँ पे तो आपको सबसे जाना है सफारी में। सफारी में आपको ओपन करना है beta.apple.com। ये एक वेबसाइट है, एप्पल का खुद का वेबसाइट है, इस पे आपको चले जाना और सेफ रहता है ये। कुछ भी इसमें मैलवेयर स्पाइवेयर का जो है डर है ही नहीं, क्योंकि एप्पल खुद ही ये चीज आपको दे रहा है, खुद अपडेट दे रहा है, तो कहां से आएगा। देखिए .apple.com मतलब एप्पल का वेबसाइट है। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको करना है साइन अप। मैं ऑलरेडी साइन अप हूं तो मैं यहां पे साइन इन करूंगा। अगर आप साइन अप नहीं किया आपने पहले कभी, तो साइन अप पे टैप कीजिए। इसके बाद जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा idmsa.apple.com और ये आपको फिर बोलेगा अपनी फेस आईडी लगाओ, तो फेस आईडी लगाओ और यहां पे आप इसके अंदर साइन इन हो जाएंगे या साइन अप हो जाएंगे। एक बार आप साइन अप हो गए तो यहाँ पे गाइड आ जाएगी आपके बेटा सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करो और यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखी हुई है कि कैसे आपको बैकअप करना है, क्या करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मिलेगा गेट स्टार्टेड, जिसमें लिखा है एनरोल योर iOS डिवाइस, तो इस पे टैप कर लीजिए। इसके बाद अगेन ये बोलेगा आपको बैकअप कर लो और ये सारी चीजें कर लो और फिर उसके बाद आप अपडेट कर लो। तो यहाँ पे आपको लिखा है ओपन बेटा अपडेट्स, इस पे आप टैप कर सकते हो और उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा, या फिर डाउनलोड कर सकते हो प्रोफाइल भी। तो प्रोफाइल आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ओपन बेटा अपडेट्स पे टैप कीजिए और सीधा आपको आपके सेटिंग्स के अंदर ही लेके आ जाएगा। एक बार यहाँ पे लेके आ गया, या अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही, एक बार बैक हो जाओ, उसके बाद फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करो और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बेटा अपडेट्स का ऑप्शन, जिसके अंदर जाके आप यहाँ से iOS 18 का पब्लिक बेटा सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको कर सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। iOS 18 किन डिवाइसेस पे सपोर्टेड है वो बता दें। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, तो iPhone XR से लेके iPhone 15 Pro Max में से कोई भी iPhone आपके पास है तो आप iOS 18 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो iPhones आपके iOS 17 पे सपोर्टेड थे, चल रहे थे, वो सारे iOS 18 पे चला सकते हैं। iOS 16 से सीधा iOS 18 पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 अगर आपने नहीं किया है, 18 डायरेक्टली करना है, वो भी पॉसिबल। अब अपडेट इंस्टॉल करने के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बैकअप बना लिया अपने फोन का। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये iOS 18 पे जाने के पहले, अभी तो ये iOS 17 पे चल रहा है मेरा फोन, 18 पे जाने के पहले अगर आप बैकअप बना लेते हो तो इन केस अगर 18 में कुछ प्रॉब्लम आपको आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा दिल चाह रहा है कि मैं वापस 17 पे चला जाऊं, तो आप 17 का बैकअप लाएंगे कहां से। 17 पे बैकअप जो है ये बना हुआ आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको या तो आपके पास iCloud स्टोरेज भरपूर होना चाहिए, जिसके अंदर जाके फिर आप बैकअप बना सकते हो। एक तो वैसे बना सकते हो बैकअप, दूसरा आपने मैक या पीसी पे आप बैकअप बना सकते हो iTunes के जरिए से, फाइंडर के जरिए से, या फिर आपके पास कोई और iPhone रखा हुआ है तो उसमें भी आप बैकअप बना सकते हो। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने अपडेट इंस्टॉल कर लिया अभी iOS 18 के पब्लिक बीटा 1 की। और अभी आपको बताता हूं बिफोर एंड आफ्टर, मतलब अपडेट इंस्टॉल करने के बाद क्या कुछ आपको देखने मिलने वाला। तो अपडेट से पहले जो था मेरा iOS वर्जन, वो था 17.5.1 और यहां पे अवेलेबल फ्री स्पेस थी 591.41 GB इस वाले iPhone के अंदर, और इसका बिल्ड नंबर था 21F90 और यहाँ पे जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 2.60.02। अब यहाँ पे iOS 18 इंस्टॉल करने के बाद iOS 18 पब्लिक बेटा आपकी जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो यहाँ पे हो गई है 2 GB से ज्यादा। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि अवेलेबल फ्री स्पेस घटी नहीं है, और iOS 18 का जो पब्लिक बेटा है क्योंकि वो डेवलपर बेटा 3 ही है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको बड़ी भी नजर आएगी। इस अपडेट का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में आपको आई देखने मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्टेबल वर्जन है फाइनल वाला वो काफी दूर है, 2 महीने कम से कम उसमें अब बाकी है। और यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर इसका बिल्ड नंबर है, और यहाँ पे जो मोडेम फर्मवेयर आपको नया देखने मिलेगा वो है 3.02.01। iOS 18 पब्लिक बेटा 1 के अंदर क्या कुछ आपको नया देखने मिलने वाला है, तो वही सब नया देखने मिलने वाला है जो कि iOS 18 के डेवलपर बेटा के अंदर आपको डेवलपर बेटा 3 में देखने मिल रहा है। कुछ टॉप फीचर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एडिट पे हम टैप करते हैं, फिर कस्टमाइज में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप वॉलपेपर को डार्क या लाइट कर सकते हो, आपको पूरा फोन का थीम डार्क लाइट करने
करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप जो ये आइकन्स है इनको भी डार्क कर सकते हो, इस तरीके से आइकन्स डार्क हो जाएंगे। थर्ड पार्टी वाले भी अब होने लग गए हैं, कुछ जो है थर्ड पार्टी वाले नहीं हो रहे वो भी आगे जाके हो जाएंगे। लाइट रखना चाहिए तो लाइट रख सकते हैं, ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं फोन के थीम के हिसाब से, वो भी जो है डार्क या लाइट होते रहेंगे। फिर टिंटेड रख सकते हो इस तरीके से, एक पर्टिकुलर टिंट आपको फॉलो करना है वो कर सकते हो यहाँ से, या फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि किस टिंट पे आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर में से एक जो है कलर उठा लेता हूँ और यहाँ पे ये टिंट पूरी प्रॉपरली लग गई, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे मुझे डार्क जो आइकन्स है ये सबसे ज्यादा पसंद है, आपको कौन से पसंद है आप बता सकते हो मुझे। और इसी में आप स्मॉल और लार्ज रख सकते हो, लार्ज आइकन्स रखेंगे तो इसका टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाएगा। आपको मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, और इसका जो आइकन का नाम है या ऐप का नाम है वो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है आपके फोन में उसको हाइड करने का ऑप्शन आप डायरेक्टली मिल रहा है, तो यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे देखिए रिक्वायर फेस आईडी कर सकते हैं, आप रिक्वायर फेस आईडी करेंगे तो ये जो ऐप है वो फेस आईडी लगाए बिना ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर फेस आईडी कर देता हूँ और अब यहाँ पे फेस आईडी लग चुकी है। अब जब मैं ये अमेजॉन बिजनेस वाला एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ये विदाउट फेस आईडी ओपन नहीं होगा, या फिर मुझे आईफोन का जो पासकोड है वो डालना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा आपको हिडन फोल्डर भी मिलता है, समझो आप यहीं पे रिक्वायर फेस आईडी करते हो और यहाँ पे हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी करते हो तो ये एप्लीकेशन जो है यहाँ से आपका हाइड हो जाएगा। आपको आईफोन का पासवर्ड एंटर करना या फेस आईडी लगाना, मैं ऐसा पकड़ा हुआ था इसलिए फेस आईडी यहाँ पे लगी नहीं। अब यहाँ पे हाइड ऐप करके लिखा आ रहा है, इस पे टैप करके मैं इस पर्टिकुलर ऐप को हाइड कर सकता हूँ और ये ऐप जो है कहाँ चला जाएगा, ऐप लाइब्रेरी के अंदर नीचे हिडन फोल्डर में, जिसके अंदर आपको नजर नहीं आएगा ये कौन सा एप्लीकेशन है जब तक कि आप इस पे फेस आईडी लगाते। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ट्विटर जो एप्लीकेशन है ये देखने मिलेगा और फिर उसके बाद इसको आप ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा एक और टॉप फीचर यहाँ पे आप बोल सकते हैं वो है नया कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर का पूरा लुक चेंज हो गया है, यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन वाला टैब है वो इस तरीके से आपको देखने मिल रहा है इसमें। और फिर अभी बेटा 3 के अंदर या पब्लिक बेटा के अंदर ये एरोस जो है ऐड कर दिया एप्पल ने, जिससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब मेन्यूज है, तो ये भी एक अच्छा टच है। और यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर नया कंट्रोल मिलता है विद राउंड आइकन्स, इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली यहीं से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको ये जो है इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको छोटा करना तो छोटा कर दीजिए, फिर से आपको जो है इसको खींच के लंबा करना है तो आप लंबा कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे कहीं पे रीलोकेट करना है तो रीलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं मल्टीपल कंट्रोल सेंटर्स, तो इसके अंदर ये आपका बेसिक वाला आ गया, फिर उसके बाद आप और कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, होम कंट्रोल्स देखने मिल रहे हैं, सेलुलर कंट्रोल्स देखने मिल रहे हैं, आप चाहे तो इसको रखिए चाहे तो यहाँ से इसको आप हटा सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको मिलती है कंट्रोल लाइब्रेरी, यहाँ से ऐड कंट्रोल पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स आपको देखने मिलेंगे और इसमें रोज रोज जो है कंट्रोल्स ऐड होते जाएंगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, तो ये भी सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आपको यहाँ पे पावर ऑफ का बटन देखने मिलेगा, जिसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे लॉन्ग तभी जाके आप पावर ऑफ कर सकते हैं, टैप करने पे नहीं होता, पहले होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए और फिर आपको पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कंट्रोल जो है ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे iOS 18 के पब्लिक बेटा में नए वॉलपेपर्स भी देखने मिलने वाले, जो कि अगेन डेवलपर बेटा से सेम ही रहने वाले, फिर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं इसमें न्यू वॉलपेपर्स में जाते iOS 18 में जाते तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स के इस तरीके से वॉलपेपर देखने मिलने वाले, और इसमें आपको एक डायनामिक वॉलपेपर भी देखने मिलने वाला है जो कि चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए कलर्स इसके चेंज हो रहे हैं, ये डायनामिक वॉलपेपर भी होता है। और इसी के साथ यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है उसका भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे फ्लैश लाइट और कैमरा, ये हमेशा से रहता था हम चेंज नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। फ्लैश लाइट की जगह आपको कुछ और चीज लगाना है, कैमरा ही लगा देना है या कोई और चीज लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इजिली उसमें आपका जो है काफी वक्त बच जाएगा उस शॉर्टकट को एक्सेस करने के जगह, आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर डेटा तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेट एज वॉलपेपर पेयर कर देंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर पेयर सेट हो गया। अब मोबाइल डेटा आपको ऑफ करना है, यहाँ से यहीं से ऑफ कर दीजिए, यहीं से ऑन कर दीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन रख सकते हैं, सीधा यहाँ से यूट्यूब आपका लॉन्च भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फ्लैश लाइट का भी यहाँ पे आपको नया एनिमेशन देखने मिलेगा, देखिए फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो इस तरीके से जो है फ्लैश लाइट आपको नजर आएगी, और साथ साथ इसके अंदर आपको एक और चीज देखने मिलती है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखिए ये एनिमेशन है इसका, इसको चाहे तो आप इस तरीके से जो है वाइड कर सकते हो, वाइड और यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा इसका रेंज, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रेंज वाला फ्लैशलाइट चाहिए लेकिन इसकी विड्थ कम चाहिए तो आप इस तरीके से इसको लॉन्ग रेंज भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड फ्लैश जो है ये दे रहा है, तो टॉर्च के जैसा प्रॉपर्ली काम करेगा, और कम ज्यादा करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा नया कूल एनिमेशन है इसका। इसके साथ दोस्तों सेटिंग्स के अंदर आपको एक नया लुक सेटिंग्स का देखने मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइट मोड करके। यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स जो है अभी बहुत ज्यादा जो है छोटी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। और अगर आपको एप्स देखना है, एप्स की सेटिंग में जाना है, तो यहाँ फिर एप्स का टैप दिया जिसके अंदर आप जितने ऐप
इंस्टॉल कर दिए जाएंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी पर्टिकुलर ऐप की सेटिंग में आप जा सकते हैं और फिर उसको एक्सेस कर सकते हो। और कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर, एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर, सीरी वाला फीचर नए, ये सारी चीजें आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, ना डेवलपर बेटा में है ना पब्लिक बेटा में, जरूर आएगी आपके पास। कीबोर्ड के अंदर भी एक नया फीचर आया दोस्तों, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कीबोर्ड है और डुअल कीबोर्ड है, समझ लीजिए इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों चूज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में आप स्विच कर सकते हैं। इंग्लिश कर रहे हो और उसमें आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी पे जाइए, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे तो हिंदी में लिखना चालू कर देगा, यहाँ पे टाइप करेंगे तो इंग्लिश में लिखना चालू कर देगा, ये भी एक नया फीचर आया है। एक्सेसिबिलिटी के भी काफी सारे अमेजिंग फीचर्स यहाँ पे आए हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल मोशन क्यूज। अब ये चीज मैंने रील बनाया तो इंस्टाग्राम में पब्लिक को समझा नहीं, लेकिन आप लोग समझदार है, यूट्यूब वाले आप लोग जरूर समझते होंगे। यहाँ पे व्हीकल मोशन क्यूज में क्या है, आप जब व्हीकल में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे जो है इस तरीके के डॉट्स आ जाएंगे और आपकी कार जैसे मूव होगी, समझो आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो ये जो डॉट्स है राइट पे जाएंगे, आप राइट टर्न लेते हो तो ये डॉट जो है लेफ्ट पे जाएंगे, आप ब्रेक लगाते हो तो ये डॉट जो है आगे से पीछे जाएंगे और एक्सेलरेट करते हो तो पीछे से आगे जाएंगे। इसमें होता क्या है, जो पैसेंजर होता है, ड्राइवर के लिए नहीं है, पैसेंजर होता है वो जब अपने आईफोन को या किसी भी फोन को देखते रहता है जब कार चल रही है तो उसको उल्टी आती है, मतली होती है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए दिया है क्योंकि ये डॉट्स मूविंग रहेंगे तो आपको फिर ऐसा नहीं होगा कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहे हो, मतलब कार के अंदर जा रहे हो और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये भी मूव होते रहेंगे तो आपको वो जो उल्टी का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। तो बहुत कमाल का बहुत अच्छा फीचर है, अब लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे, आप लोग समझदार है आप जरूर समझेंगे ये चीज। इसी के साथ और भी बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आए हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, देखिए हर एक फीचर मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि इसके ऊपर मैंने 200 प्लस फीचर्स का पूरा एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कौन पिंड है वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फीचर जरूर बता दूंगा मैं यहाँ पे जो मेन मेन है। जैसे यहाँ पे आई ट्रैकिंग आ गया, आई ट्रैकिंग में आप आंखों से अपने फोन को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके हाथ नहीं है या उंगलियां कटी हुई है या कोई भी प्रॉब्लम उनको डिसेबिलिटी है उनको जो है ये चीज काफी काम आएगी जो कि है आई ट्रैकिंग, इससे आप उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन को। और इसी के साथ दोस्तों आपको फोन मिररिंग का ऑप्शन मिल रहा है मैक पे, मैक ओएस सिक्योरिया के साथ, वो भी मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ जो है आपको रिमोटली अपने आईफोन को, आईपैड को या एप्पल डिवाइसेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने मिल रहा है ओवर फेस टाइम, तो फेस टाइम में जो शेयर प्ले है वो भी इंप्रूव्ड है, इस पे वीडियो बना चुका हूँ, भी जरूर चेकआउट करना आप। और iOS 18 के डेवलपर बेटा में जितने फीचर्स है वो सारे पब्लिक बेटा में एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों जो अपडेट्स है वो सेम है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ फटाफट से कि किस तरीके से आप जो है स्विच कर सकते हैं बिटवीन पब्लिक बेटा एंड डेवलपर बेटा। अभी यहाँ पे पब्लिक बेटा चल रहा है मेरे 14 प्रो मैक्स पे और डेवलपर बेटा चल रहा है मेरे 15 प्रो मैक्स के ऊपर। अभी यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताता हूँ हाउ टू स्विच। तो यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, जनरल में चलते हैं, अबाउट में जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए iOS वर्जन जो है उसका बिल्ड नंबर जो है वो एक्जैक्टली सेम है, यानी कि जो डेवलपर बेटा है वही पब्लिक बेटा है। अगर आपने iOS 18 डेवलपर बेटा का, आप डेवलपर बेटा पे हो, iOS 18 डेवलपर बेटा का जो री रिलीज हुआ था बेटा 3 का वो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पब्लिक बेटा भी चूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग जनरल और फिर आपको जाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट में। अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने अभी तक iOS 18 बेटा 3 का जो री-रिलीज है जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था वो नहीं किया है तो आपको यहां पे जाना है, चूज करना है पब्लिक बेटा को और पब्लिक बेटा का यहां पे आपको अपडेट देखने मिलेगा, फिर आप पब्लिक बेटा इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने वो इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी तो पब्लिक बेटा इंस्टॉल नहीं कर सकते, फिर आपको बेटा 4 का, जब डेवलपर बेटा 4 या पब्लिक बेटा 2 आएगा 2 हफ्ते बाद आज से, उसके बाद आपको स्विच करने का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आप डेवलपर बेटा से पब्लिक बेटा पे जा सकते हो, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो ये पार्ट वापस देख लेना। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम करे, बैंकिंग एप्लीकेशन भी चल रहे सरप्राइजिंगली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अभी यहाँ पे स्कोर्स देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो यहाँ पे सीपीयू का स्कोर देखते हैं अपडेट करने से पहले, iOS 17 का 2620/6040 था 14 प्रो मैक्स पे और अभी बढ़ गया है मल्टी कोर में, लेकिन घट गया है सिंगल कोर में 2540 और 6240 सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके पहले के जो स्कोर से ध्यान मत देना क्योंकि ये आईफोन 15 प्रो मैक्स के, ये 14 प्रो मैक्स मेरा, तो इस पे ही ध्यान देना बस, इसको छोड़ दीजिए। मैंने बैकअप बनाया था इस फोन के ऊपर पहले जब डेवलपर बेटा पहली बार डाला था, तो यहाँ पे लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपका मल्टी कोर स्कोर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि हीटिंग इशू है, खास करके अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है तो। वैसे कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं आपके परफॉर्मेंस में, ऑलरेडी बहुत फास्ट फोन है, कोई इशू नहीं आएगा, बस हीटिंग इशू को कंट्रोल करने के लिए। और पिछला स्कोर जो था जीपीयू का वो 23430 था और अभी का है 23047, तो सेम ही है, ये भी अगेन पहले के स्कोर्स को इग्नोर करो, ये 15 प्रो मैक्स के स्कोर्स है, यकीन नहीं होता तो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखिए 15 प्रो मैक्स का है, बाकी ये जो है ये 14 प्रो मैक्स का है। iOS 18 पब्लिक बेटा 1 के ऊपर क्या आपको जाना चाहिए, क्या आपको डाउन इंस्टॉल करना चाहिए, शुड यू अपडेट, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। अगर आप iOS 17 पे हो तो उन पे ही एप्लीकेबल है, ऑलरेडी iOS 18 डेवलपर बेटा पे हो तो फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप iOS 17 से इस पे आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रख लेना, आपको कुछ बग्स फेस करने मिलेंगे, जैसे वॉल्यूम बग, आपकी जो वॉल्यूम है अब यहाँ पे सही से काम करे लेकिन कभी कभी काम नहीं करती, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसका वर्क अराउंड ऐसा है कि आप किसी को कॉल लगाइए, स्पीकर पे डालिए, एक रिंग होने दीजिए, उसके बाद कट कर दीजिए, आपका वॉल्यूम जो है काम करना शुरू कर जाएगा। हीटिंग इशू हो सकता है, वैसे अभी बेटा 3 के अंदर नहीं है इतना, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है लेकिन बाद में वो इंप्रूव भी हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और बैटरी हेल्थ आपकी जो है वो गिर सकती है,
सकती है और बैटरी लाइफ भी आपको कम डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना। बैटरी हेल्थ जो है इस फोन की ऑलरेडी कम ही थी, ये एक साल डेढ़ साल दो साल पुराना फोन है, लेकिन यहाँ पे इससे भी ज्यादा रिड्यूस हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और बैटरी लाइफ भी आपको इतनी अमेजिंग नहीं मिलेगी, अगर आपका फोन दो दिन चलता था तो वो फोन आपका एक ही दिन चलेगा, बैटरी लाइफ में भी आपको इशू आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें कि आपका फोन अनयूजेबल हो जाएगा, ऐप क्रैशिंग होगी, ऐसी कुछ नहीं है, आप प्रॉपर्ली इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप iOS 18 का पब्लिक बीटा भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर करना है तो कर लीजिए और एंजॉय कीजिए और हमारे सारे वीडियोस देखिए जिसमें हमने सारे फीचर्स के बारे में आपको बताया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।